पुलवामा हमले के लिए पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री को फेसबुक आईडी से युवक ने अश्लील टिप्पणी कर ठहराया दोषी। साइबर क्राइम जिस प्रकार से निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक युवक ने अपनी फेसबुक आईडी से देश के गृह मंत्री और भाजपा एवं पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों पर अश्लील टिप्पणी कर डाली है। हिंदूवादी नेता संजू बजाज आज फेसबुक चला रहे हैं, तभी देखा कि दीपक कुमार यदुवंशी नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाल रखी है जिसमें भाजपा और भाजपाइयों के बारे में बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है तथा पुलवामा हमले के लिए पूर्व भाजपा अध्यक्ष एवं वर्तमान भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराया है। आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संजू बजाज थाना देहली गेट पहुंच गए जहां दीपक कुमार यदुवंशी नामक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने व कठोर कार्यवाही की मांग की। संजू बजाज ने बताया कि सर्वविदित है कि यह मामला आतंकियों ने किया था जिसमें हमारे देश के सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। यह पोस्ट देश के सुरक्षा बलों को अपमानित करने वाली है जिससे भाजपा एवं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। यह आईडी जरूरी किसी जिहादी द्वारा फर्जी बनाई गई है जिससे समाज में वैमनस्यता व घृणा फैलाई जा सके। इस पोस्ट से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह देश हित में कानून बना रहे हैं, वहीं जिहादी मानसिकता के लोग ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर जगत अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला है आज का? आज हम लोग यहाँ थाना दहली गेट पे आए हुए हैं। अभी एक दिनेश कुमार यदुवंशी नामक फेसबुक आईडी से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर असली टिप्पणी की गई है और पुलवामा में जो हमला किया गया है उस पर भी टिप्पणी की गई है, इसलिए हम लोग यहाँ थाना दहली गेट आए हुए हैं। उस आईडी चलाने वाले के नाम पर मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए अभी मैंने तहरीर दी है। यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद में कल तक हम आपको रिजल्ट दे देंगे। इसको सर्च करके सर्विलांस को भिजवाया जा रहा है, जैसे ही मालूम पड़ जाएगा उसको उठाकर बंद कर देंगे और जेल भेजेंगे, ऐसा हमको आश्वासन मिला है। क्योंकि मामला केवल देश के गृह मंत्री का ही नहीं, हमारे जो पुलवामा हमले में मारे गए शहीदों का है। जिन शहीदों ने अपनी जान गंवाई अपने देश के लिए, उन शहीदों का अपमान है ये, इसलिए देश ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे शहीदों का अपमान हो, हमारे देश के गृह मंत्री का अपमान हो, हमारे देश का अपमान हो। ऐसे अराजक तत्व के खिलाफ कठिन कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल भेजना चाहिए। इसलिए ऐसी कार्रवाई की मांग को लेकर हम लोग थाना दहली गेट आए हुए थे। यहाँ पर हमारी तहरीर ले ली गई है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है, आगे की कार्रवाई जल्द ही कर दी जाएगी, ऐसा हमको आश्वासन मिला है।